तो बेटे आज तो हमारे साथ दो बच्चे ही जुड़ पाए हैं अभी तक। फिलहाल टाइम हो चुका है, बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ पर हैं। आवाज आ रही है आपको बेटे मेरी? कैन यू हियर मी? साहिल आपका क्या चल रहा है बेटे? पापा कब आएंगे? आए पापा कह रहे थे स्कूल में आऊंगा, स्कूल में आके बात करूंगा। साहिल कल आएंगे? ठीक है चलो, ओके ठीक है बिल्कुल ठीक। तो मनीषा और जुड़ी हमारे साथ, चलो एक दो मिनट का वेट करते हैं बेटे, बच्चे जुड़ते हैं। तो कल आपको पता ही है हमने चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कंप्लीट कर दिया था बेटे, ठीक है। उसकी पीडीएफ मुझे भेजनी है बेटे। कल आप सबको पता लगा होगा कि मैंने एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, 11th कॉमर्स गर्ल्स का अलग और बॉयज का अलग ग्रुप बनाया बेटे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, तो आप बच्चे पूछ सकते हैं, ठीक है। उस ग्रुप में जो भी इंफॉर्मेशन आती है आप उसे बेटे देखते रहिए, लगातार चेक करते रहिए, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड, बाकी और चीजों से रिलेटेड उसमें काफी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए वो ग्रुप बनाए गए हैं, तो कोई भी उस ग्रुप को एग्जिट ना करे। और जैसे अगर मान लीजिए कि कोई नंबर चेंज करता है अपना व्हाट्सएप का, कि भाई वो जो मैंने नंबर ऐड कर रखा है आपका, उसकी बजाय कोई और यूज करता है, तो वो आप तुरंत रिमाइंड कराएं, ताकि उस दूसरे नंबर को हम उस ग्रुप में ऐड कर लें, ताकि आपको टाइम पर समय पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे बेटे, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। बारिश हो रही है आज, मौसम थोड़ा खराब है, पर नेटवर्क ठीक ठाक आ रहे हैं हमारे पास, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है आज हमारे यहाँ, ठीक है। चलिए बेटे, बाकी बच्चे जुड़ते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन। कल हमने 5th लेसन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ओवर कर दिया था, आज हमें करना है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पिछले लेसन में हमने आपको बताया था बेटे कि डाटा को प्रेजेंट करने के तीन मेथड होते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। बेटे टेक्स्चुअल प्रेजेंटेशन पिछले लेसन में कवर हो गया था, जहां पर हम डाटा को लिख के दिखाते हैं, ब्रीफ रूप में दिखाते हैं बेटे, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, इंफॉर्मेशन का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए लिखकर हम दिखा देते हैं, टेक्स्ट के रूप में हम उसे दिखा देते हैं बेटे। टेक्स्चुअल प्रेजेंटेशन इनाफ होती है। उसके बाद जब साइज ऑफ डाटा बहुत ज्यादा लार्ज हो जाए, तो फिर हम उसकी टेबुलर प्रेजेंटेशन कर देते हैं बेटे। तो टेबुलर और टेक्स्चुअल तो पिछले लेसन में कवर हो गया था, अब ये वाला जो नेक्स्ट लेसन है आपका चैप्टर नंबर 6, इसका स्पेशल फोकस आपका रहेगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के ऊपर बेटे, ठीक है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यानी कि डायग्राम के थ्रू, इसमें पाई चार्ट वगैरह आते हैं आपके, ठीक है, उसके थ्रू हम डाटा का प्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे। पाई चार्ट इसके अंदर आएगा, हिस्टोग्राम इसके अंदर आएगा बेटे, तो अलग अलग तरह के डायग्राम आपके सामने आएंगे। देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ता हूं मैं इस पर्टिकुलर लेसन का, कि डेटा मे बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तो बेटे डाटा को सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर में शो करने के लिए हम डायग्राम का यूज कर सकते हैं, डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑफ थ्री टाइप। तो बेटे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को तीन टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, ज्योमेट्रिक फॉर्म के रूप में, जिसमें बार डायग्राम और पाई डायग्राम आएगा बेटे, ठीक है। बार डायग्राम जिसमें हम रेक्टेंगल्स के थ्रू बेटे डाटा को शो करते हैं, वो अभी हम बनाएंगे कुछ देर में, आपको पता लग जाएगा। पाई डायग्राम बेटे जिसमें हम एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे एंगल्स के रूप में, ठीक है, एंगल के रूप में हम दिखाएंगे। फ्रेक्वेंसी डायग्राम आएगा बेटे जिसके अंदर हिस्टोग्राम आएगा, पॉलीगन आएगी और ओजाइव कर्व आएगी इसके अंदर, फिर अरिथमेटिक लाइन ग्राफ एंड टाइम सीरीज ग्राफ बेटे ये आपके सामने आएगा।
तो ये कह रहे हैं कि भाई डायग्राम के थ्रू डाटा को शो करने के तीन मेथड है हमारे पास, ज्योमेट्रिक फॉर्म होते हैं जिसमें बार डायग्राम और पाई डायग्राम शो करते हैं, वैसे फ्रीक्वेंसी डायग्राम होते हैं जिसमें हिस्टोग्राम पॉलीगन और ओजाइव कर्व हम शो करते हैं, फिर अरिथमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज एनालिसिस हम करते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बता रखा है बच्चे, देखिए सबसे पहले हमारा आ रहा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बार डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले क्या आ रहा है अपने पास, बार डायग्राम बेटे, बार डायग्राम। तो बार डायग्राम में जो डाटा है बेटे, ठीक है, उन्हें रेक्टेंगल्स के रूप में शो किया जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल्स जो होते हैं ना, उस तरह से रेक्टेंगल्स, देखिए इस तरह से इन डाटा को बनाए जाएंगे, इस तरह से इन डाटा को शो किए जाते हैं बेटे, इसे हम क्या कहते हैं, बार डायग्राम कहते हैं। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा बार डायग्राम पर आते हैं बेटे। तो आपको बता रखा है कि बार डायग्राम आर दोज डायग्राम इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। तो सिंपल सा बता रखा है कि बार डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें जो डाटाज होती हैं या जो इंफॉर्मेशन होती है उन्हें बार या फिर रेक्टेंगल्स के रूप में शो किया जाता है। बार आर आल्सो कॉल्ड कॉलम, इन बार को हम कॉलम भी कहते हैं, इन रेक्टेंगल्स को हम कॉलम भी कहते हैं। तो बार डायग्राम बेटे वो डायग्राम होता है जिसमें जो इंफॉर्मेशन है उसे कॉलम के रूप में, बार के रूप में या रेक्टेंगल्स के रूप में शो किया जाता है। बार एंड इट्स फीचर, तो बार के फीचर आ रहे हैं अब आपके सामने, देखिए क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं बेटे बार डायग्राम की, ठीक है। देखिए सबसे पहले ही बता रखा है कि द लेंथ और हाइट ऑफ द बार डिफर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू। तो सिंपल सी बात है बेटे, जो बार की लेंथ होती है ना या हाइट होती है वो तो बेटे अलग अलग मिलेगी, हाई वैल्यू है तो उसकी हाइट हाई जाएगी, लो वैल्यू है तो उसकी हाइट लो जाएगी, लेकिन जो उसकी विड्थ होती है चौड़ाई, उन चौड़ाई को हम बेटे एकदम सेम रखेंगे हम, ठीक है, पैमाने की सहायता से यानी कि स्केल की सहायता से उसकी चौड़ाई को उसकी विड्थ को सेम रखेंगे, लेकिन जो लेंथ होगी वो तो डेफिनेटली डिफर करेगी वैल्यू के हिसाब से। 10 है तो 10 बेटे, 5 है तो 5, 4 है तो 4, और अगर कहीं 12 चला जाता है तो 12, ठीक है, इस तरह से। तो डेफिनेटली उसकी जो हाइट है वो तो बेटे चेंज होगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से चेंज होगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं मतलब पूरे हम मेक श्योर करेंगे कि भाई उनकी जो विड्थ है वो सेम रहे, ठीक है, स्केल का यूज करके। तो इसलिए उन्होंने कहा है भाई कि जो हाइट है वो तो अलग अलग रहेगी, ठीक है, लेंथ अलग अलग रहेगी, बट जो विड्थ रहेगी उसकी यानी कि विड्थ जिसे हम कहते हैं, चौड़ाई जिसे हम कहते हैं, दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, वो आपकी सेम रहनी चाहिए। सेकेंड है बार में भी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बार को हम ऐसे वर्टिकल रूप में भी दिखा सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम अच्छे से स्टडी करने के लिए, अच्छे प्रेजेंटेशन करने के लिए वर्टिकल फॉर्म में ही बेटे मैं दिखाऊंगा, मैं हॉरिजॉन्टल रूप में नहीं लेके जाऊंगा, सिंपल सी बात है, मैं ऐसे ही वर्टिकल रूप में दिखाऊंगा, मैं इस तरह से, ठीक है, देखिए मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बार को नहीं दिखाने वाला बेटे, ठीक है। अगर आपका मन करे तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं, लेकिन हम वर्टिकल दिखाएंगे क्योंकि वो ज्यादा बेटर देखने में लगता है बेटे, लेकिन आप बना हॉरिजॉन्टल भी सकते हो, ठीक है। थर्ड है बार आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट, बार के बीच में जो डिस्टेंस होगा दूरी होगी एक समान होनी चाहिए, तो इस दूरी को भी हम बेटे स्केल से मापेंगे और फिर नेक्स्ट बार डायग्राम तैयार करेंगे बेटे। तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि इनके बीच जो दूरी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए और साथ ही साथ बार की जो विड्थ है वो भी आपकी सेम होनी चाहिए। विड्थ तो सेम हो ही जाएगी जो नीचे बेटे डिफरेंस सेम लेंगे, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, तो विड्थ तो सेम हो ही जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है इनके बीच जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, दैट आल्सो हैज टू बी कॉन्स्टेंट, दैट आल्सो हैज टू बी सेम, इक्वी डिस्टेंट पे होनी चाहिए बार। फोर्थ है बार, ऑल बार आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन, तो इनके नीचे एक बेस लाइन बनेगी बेटे जिसे हम एक्स एक्सिस भी कहेंगे, तो उस एक्स एक्सिस के ऊपर ये बनाए जाएंगे, वही उसका बेस कहलाएगा। तो ये थे इसके फीचर्स बेटे, ठीक है। आगे है अनलेस डेटा आर अज्यूम सम स्पेसिफिक ऑर्डरिंग, जब तक डाटा का कोई स्पेशल ऑर्डर ना बताया जाए, दिस शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द फॉर्म बार्स आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेटे। तो हमें बार को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तैयार करने हैं। सिक्स है टू मेक द बार अट्रैक्टिव,
These may be shaded with different colors. तो इन्हें बेटे अच्छी तरह अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इन्हें हम शेड कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स। देखिए इस तरह से मैं शेड इनको कर सकता हूँ बेटे, इस तरह से मैं इनको शेड कर सकता हूँ। अगर आपके पास कलर है बेटे तो जब आप नोटबुक में बनाओ इन बार डायग्राम को तो डिफरेंट कलर्स का आप यूज कर सकते हो या सेम कलर का भी आप यूज कर सकते हो बेटे, ठीक है। तो ये थे बार के फीचर। अब है टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, और टाइप ऑफ बार डायग्राम से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं बेटे, ठीक है। तो बार डायग्राम आपको बता दिया गया है क्या होता है बेटे। बार डायग्राम डाटा को प्रेजेंट करने की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें डाटा को बार, कॉलम या रेक्टेंगल के रूप में दिखाया जाता है बेटे। टाइप ऑफ बार डायग्राम आ रही है, ठीक है। टाइप्स, प्रकार, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम बेटे, बार डायग्राम के टाइप आपके सामने आ रहे हैं। पहला टाइप देखिएगा कौन सा है, सिंपल बार डायग्राम होगा। यस, सिंपल बार डायग्राम बेटे, एकदम सिंपल बार डायग्राम आपके सामने आ रहा है। सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। पहला टाइप है आपका सिंपल बार डायग्राम। देखिए, पढ़ के देखिए, सिंपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच बेस्ड ऑन अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो बेटे इसमें सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा दे रखे होंगे, मल्टीपल या अलग अलग डाटा ना गिवन होके केवल एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा आपको गिवन होगा और उसी सेट ऑफ डाटा को आपको बेटे बार डायग्राम के रूप में शो करना है, ठीक है। देखिए कई बार मल्टीपल डाटा भी हो जाते हैं, अलग अलग डाटा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम केवल बर्थ डेट को दिखा रहा हूँ मैं, केवल और केवल बर्थ डेट को दिखा रहा हूँ बेटे, ठीक है, तो वो सिंपल बार डायग्राम हो जाता है। दूसरा है मल्टीपल बार डायग्राम जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट सबको दिखाना शुरू कर दो बेटे, ठीक है। तो इस तरह से आपके होते हैं। तो सबसे पहला सिंपल बार डायग्राम आ रहा है बेटे। तो सिंपल बार डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जिसमें सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को शो किया जाता है। क्या शो किया जाता है बेटे? सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। तो सिंपल डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है बेटे जिसमें सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। द डिफरेंट आइटम और वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट बार। तो डिफरेंट डायग्राम और जो वैल्यू होंगे उन्हें हम बार के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, डाटा रिलेटिंग टू बर्थ रेट, डेथ रेट, प्रोडक्शन लेवल ऑफ अ कमोडिटी, दे आर जनरली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल बार डायग्राम। तो मुझे केवल बर्थ रेट दिखानी है, मैं सिंपल डायग्राम बनाऊंगा। मुझे डेथ रेट बनानी है, सिंपल डायग्राम बनाऊंगा। पॉपुलेशन दिखानी बेटे, डायग्राम बनाऊंगा। दीज बार डायग्राम आर प्रेजेंट ओनली अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये जो सिंपल डायग्राम होते हैं केवल सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को शो करते हैं। दीज डायग्राम आर मोर यूजफुल टू प्रेजेंट टाइम सीरीज डाटा। तो ये डायग्राम बेटे टाइम सीरीज डाटा को भी दिखाते हैं, टाइम के अनुसार जो डाटा चेंज होते हैं 2010, 2011, 12, 13, 14 इस तरह से, ठीक है। तो ये टाइम सीरीज डाटा को दिखाते हैं। सच एज इंडिविजुअल वैल्यू लाइक वेट ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे वेट ऑफ स्टूडेंट होता है उन्हें टाइम सीरीज ग्राफ हो गया, ठीक है, इन सबको दिखाता है। सेंसस सर्वे हो गया, ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गई बेटे, ज्योग्राफी तो आप समझते हो प्लेस वाइज, ठीक है, या पर कैपिटा इनकम हो गई इंडिया के अलग अलग राज्यों की, अलग अलग स्टेट्स की, ठीक है, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, केरल की, तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम कितनी है उसे हम बार डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं बेटे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। द मेन लिमिटेशन ऑफ सिंपल, अब इनकी लिमिटेशन देखिए क्या है, ठीक है, मुश्किलें क्या है इसमें देखिए बेटे। द मेन लिमिटेशन इन दैट इज दैट दीज डायग्राम कैन शो ओनली अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो इस डायग्राम की केवल एक ही बेटे कमी है कि केवल सिंगल सेट को दिखा पाएगा सिंपल बार डायग्राम, ठीक है, डबल सेट को नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है और आपसे कहा गया है भाई इससे हमें बार डायग्राम बनाकर दिखाइए। तो पहले मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने बेटे और फिर मैं इससे एक डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने। तो फिलहाल ये आ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये टेबल आपके सामने दी है। ये फिलहाल हमने डाटा को टेबुलेटेड प्रेजेंट करके दिखाया है टेबल के थ्रू, इसके बाद हम इसे डायग्राम वाइज दिखाएंगे जिसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहेंगे। तो देखिए बेटे, आपको टेबल में दे रखा है ईयर और ईयर में दे रखा है बर्थ डेट, ठीक है, बर्थ डेट कि भाई यह था आपका 1951 टू 1960, बर्थ रेट थी 45, ठीक है, 1961 1961 से 1970 बर्थ रेट थी आपकी 35, 1971 से 1980 बर्थ रेट थी आपकी 30, ठीक है, 1981 से 1990 बर्थ रेट थी आपकी 28,
और 1991 से 2000 बस थी MI-24, और 2001 से 2010 बस थी MI-20। देखिए ये आपको गिवन है। अब इन डाटा यानी कि सिंगल सेट ऑफ डाटा गिवन है, केवल हमारे पास बर्थ सेट गिवन है बेटे, तो ये सिंगल सेट ऑफ डाटा है, तो इससे हम एक सिंपल बार डायग्राम बना सकते हैं बेटे, ठीक है। तो बार डायग्राम हम शुरू करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें लेना पड़ेगा। देखिए ये रहा आपका बार डायग्राम बेटे, थोड़ा नीचे जा चुका है, इसको मैं थोड़ा मिटा के ऊपर ले लेता हूँ, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। देखिए सबको पता है बेटे, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ठीक है, इसे मैं एक्स एक्सिस कहता हूं और इसे मैं वाई एक्सिस कहता हूं, यू नो वेरी वेल, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर ले रहे हैं बर्थ रेट, कि भाई बर्थ रेट कितनी रही लोगों की, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इनके ईयर, ये ईयर जो दे रखे हैं ये ईयर मैं यहाँ ले रहा हूँ बेटे, ईयर। और रिमेम्बर वेरी केयरफुली कि ईयर में जो डिफरेंस है दैट मस्ट हैव बीन सेम, क्योंकि हमने इसके फीचर में बता दिया था कि जो ईच बार बनेगा उनके बीच इक्वल डिस्टेंट होना चाहिए। तो मैं तो बेटे बोर्ड पर करा रहा हूं, इसलिए मैं स्केल का यूज तो कर नहीं पाऊंगा बेटे, अंदाजे से मैं इक्वल डिस्टेंट हुआ, लेकिन जब भी आप नोटबुक में ये बार डायग्राम बनाओगे आपको स्केल से इक्वल डिस्टेंट पे लेना है बिल्कुल, ठीक है। स्केल से आप माप लीजिएगा 1 सेंटीमीटर के आसपास, और जितना हो जाए उतने का आप डिफरेंस भी लीजिएगा बेटे। मैं वैसे ही अंदाजे से इक्वल डिफरेंस लेने की कोशिश करता हूँ बेटे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये मान लीजिए मैंने लिख दिया पहला, ठीक है, पहला यार कौन सा है, 1951 टू 1960, ठीक है, तो 1951 टू 60 बेटे, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद मैं फिर से इक्वल डिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, तो 1961 टू 70, फिर से मैं इक्वल ले रहा हूँ 1971 टू 80 बेटे, ठीक है। इसके बाद 1981 टू 90, इसके बाद बेटे 1991 टू 2000, ठीक है, और फिर लास्ट है 2001 टू 2010, ठीक है। तो इस तरह से तो मैंने पूरी कोशिश की बेटे कि मैं इक्वल डिस्टेंस पे ले लूँ ये, आप स्केल का यूज करके इसे इक्वल डिस्टेंस पे लोगे। अब यहाँ आते हैं वैल्यूज, तो वैल्यू देख लीजिए हाईएस्ट कितनी है बेटे, हाईएस्ट है 45, तो 45 वैल्यू है, तो आई गेस मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ 5 का डिफरेंस लेके 45 तक चले जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं 5 का डिफरेंस दे रहा हूँ बेटे, और यहाँ भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इक्वल डिस्टेंस लूँ, दूरी इनके बीच समान रहे बेटे, ठीक है। तो देखिए 5 5 के बाद 10, 15, 20, 25, 30, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं मैं, नो प्रॉब्लम, 35, ठीक है, ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि थोड़ी स्पेस कम पड़ गया, तो ऊपर वाले को मिटा के मैं 45 तक ले जाता हूँ बेटे, ठीक है। तो ये सिंपल बार डायग्राम आप पढ़ रहे हो, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये देखिए 35 के बाद क्या आता है 40, और 40 के बाद आपका आता है 45 बेटे। तो ये था आपका, वो था आपका एक्स एक्सिस और ये था आपका वाई एक्सिस बेटे। तो एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है टाइम या ईयर, और वाई एक्सिस पे मैंने लिया बर्थ डेट बेटे। अब देख लीजिए पहला आपको दे रखा है 1951 से 60 में 45 बर्थ डेट रही आपकी, तो बेटे इसमें मैं एक डायग्राम बना दूंगा रेक्टेंगल के रूप में, जिसे मैं कहूंगा बार डायग्राम। क्या कहूंगा बेटे, बार डायग्राम, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है 45 बिल्डर, ठीक है, यहां मुझे ऊपर लिखना है 45, या तो आप ऊपर लिख सकते हैं या फिर इसके अंदर भी आप 45 लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। स्केल से बनाओगे तो एकदम अच्छे से बनेगा, मेरे पास स्केल नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, आप समझ सकते हो कि भाई आई डोंट हैव एनी स्केल एट ऑल, तो यहाँ तो ऐसे ही दिखाई देगा। जब आप प्रिपेयर करोगे नोटबुक में यू हैव टू यूज द स्केल बेटे, नो ऑप्शन रिगार्डिंग स्केल, स्केल ही यूज होगा। आगे देखिए 1961 से 70 में 35 है बेटे बर्थडे, तो 35 देखिए यहाँ पर है। अच्छा वन, अब देखिए जो मैं नेक्स्ट बार बनाऊंगा बेटे,
इस बार और उस बार के बीच जो डिस्टेंस होगा, मुझे हर बार वो डिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा, मुझे हर बार को इक्वल डिस्टेंस पे बनाना पड़ेगा। तो 35 आपको दे रखा है बेटे, तो ये देखिए 35 मैं यहाँ बना देता हूं, ये लीजिए 35 मैंने बना दिया, और यहां मैं लिख देता हूं 35, या फिर आप इस बार के अंदर भी 35 लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चे, ठीक है। 1971 से 80 30 आ रहा है बेटे, तो 30, तो ये देखिए 30 यहां पर है। इक्वल डिस्टेंस पे हमें कोशिश करनी है, आप स्केल से बनाओगे बेटे तो इक्वल डिस्टेंस पे ही बनेगा, ठीक है। 30 हो गया आपका। 81 से 90 में 28, तो बेटे 30 से थोड़ा सा नीचे मुझे लेना पड़ेगा 28, इस तरह से देखिए। ये रहा आपका 28। इसके बाद बेटे 1991 से 2000 है 24, तो मुझे 24 लेना पड़ेगा 25 से थोड़ा सा नीचे बेटे, 25 से थोड़ा सा नीचे मेरे को लेना पड़ेगा, तो लाइक दैट हियर समवेयर यहाँ पर 25 से नीचे बेटा मुझे लेना पड़ेगा 24, और ये लास्ट आपका बार आ रहा है 20, तो 20 के पास मैं ले दूंगा बेटे, ये रहा आपका 28 यहाँ पर 20 बेटे, ये रहा आपका 20। तो देखिए एक आपका बार डायग्राम बन गया है बेटे, ठीक है। अब आपको इससे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप इन्हें शेडिंग कर सकते हो, अगर शेडिंग नहीं करी ऐसे भी छोड़ दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे, तो भी कोई आपसे कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। तो चाहो तो आप इसमें शेड कर सकते हो बेटे, शेडिंग कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते, पसंद नहीं है आपको शेडिंग करना, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। बस आपको डायग्राम, ये बार डायग्राम बनाते समय दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो बेटे बार के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, दूरी समान होनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ बार की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो भी एक समान होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई ज्यादा चौड़ा हो गया, कोई सकड़ा हो गया, नॉट लाइक दैट बेटे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी बेटे। आप स्केल से बनाओगे तो आप अच्छे से बना लोगे, क्योंकि मेरे पास तो स्केल नहीं है, तो थोड़ा सा आपको अलग लग ही रहा होगा बेटे, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, आप समझ सकते हो उस बात को, तो ठीक है। तो आप फिर शेडिंग भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो बेटे, और अगर ना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट बार को अपना अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मेरा ओपिनियन है कि आप शेडिंग करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो इससे अट्रैक्टिव दिखेगा आपका बार, ठीक है। रीडर की इन्फॉर्मेशन तुरंत जाएगी आपके बार के ऊपर, ठीक है। इसलिए तो ये था आपका एक सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। क्या होता है बेटे सिंपल बार डायग्राम? एक ऐसा डायग्राम जो केवल सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को शो करे। यहां मैंने केवल बर्थ रेट दिखाई, अब मैं इसके साथ साथ डेथ रेट भी दिखानी शुरू कर दूं तो ये सिंपल बार डायग्राम नहीं रहेगा बेटे, फिर ये मैनिफोल्ड डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल बार डायग्राम। एक और इलुस्ट्रेशन दे रखा है बेटे आपको सिंपल बार डायग्राम का, और अगले इलुस्ट्रेशन में आपको हॉरिजॉन्टली दिखा रखा है बेटे, हॉरिजॉन्टली आपको बार बना रखा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप हॉरिजॉन्टल ना बनाएं, आप ऐसे वर्टिकली बनाएं, यही ज्यादा बेटर लगता है, यही ज्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखाई देता है। बट आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो बेटे, बट मेरा ओपिनियन है यू शुड गो टू द वर्टिकल, वर्टिकली आपको बनाना चाहिए। तो एक और एग्जाम्पल दे रखा है बेटे, उस एग्जाम्पल को मैं करा देता हूँ जल्दी से, छोटा सा एग्जाम्पल है, सिंपल वर्ड आएगा मुझे अगेन बनाना है, ठीक है। तो मैं बेटे हॉरिजॉन्टल नहीं बना रहा, मैं वर्टिकल ही बना रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकली आप बनाइए, ठीक है, एक ही मेथड को अपनाइए और उसे यूनिफॉर्मली यूज कीजिए। तो ये नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन आपके सामने आ रहा है, इलुस्ट्रेशन नंबर टू। इसमें भी आपको एक पहले टेबल दी हुई है बेटे, उस टेबल की सहायता से हमें क्या बनाना है, एक बार डायग्राम बनाना है। देखिए स्टूडेंट का नाम दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक स्टूडेंट है बेटे, और उनके मार्क्स मुझे दे रखे हैं भाई, ए के आए 300, ठीक है, बी के आए 250, सी के आए 200, ठीक है, और डी के आए 150, ई के आए 100 और एफ के आए 50 बेटे, ठीक है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल करना है तो आप बुक में देख ही सकते हो, मैं वर्टिकली बनवा देता हूँ बेटे इसका, ठीक है। ये देखिए फिर से मैं बार डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे को एक एक्स एक्सिस लेनी है और वाई एक्सिस लेनी है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस बेटे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मैं स्टूडेंट्स के नाम लिखूंगा, सिंपल सी बात है, ए बी सी डी ई और एफ बेटे, एफ स्टूडेंट्स है हमारे पास। मार्क्स देखिए हाईएस्ट आपको दे रखा है 300 आपको हाईएस्ट दे रखा है, तो मेरे हिसाब से कितने का डिफरेंस सही रहेगा,
50 भी आ रहा है, 150 भी आ रहा है, 250 भी आ रहा है, तो बेटे तो 50 का डिफरेंस सही रहेगा, ठीक है। तो 50 का डिफरेंस मैं लेके ही डायग्राम बना रहा हूँ, 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद बेटे 150, 150, देन 200, 200 के बाद 250 एंड देन 300 बेटे, ठीक है। अगर आप एक और एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो 350 भी लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं बेटे, और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ उनके मार्क्स। तो जल्दी से आते हैं, ए स्टूडेंट के 300 मार्क्स आए बेटे, तो ए का जो हम डायग्राम बना देते हैं इस तरह से बना देते हैं 300 का। इस 300 को आप बीच में भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पर ऊपर भी लिख सकते हो बेटे, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। इसके बाद बी के थे 250 मार्क्स, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए बार, वेरी केयरफुली बेटे, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए बार 250। सी का है 200, सी के 200 मार्क्स है, तो यहाँ पर आप उसे 200 में दिखा दोगे बेटे। मेक श्योर कीजिए कि इक्वल डिस्टेंस पे हो और जो बार है उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई भी समान हो। डी के है 150, ठीक है, 150 ये रहा आपका, 150 ये रहा आपका। ई के है 100, तो ये रहे आपके 100 बेटे, ठीक है। और एफ के है ओनली 50, तो ये रहा आपका 50। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को शो कर सकते हो बेटे। अगेन अट्रैक्टिव दिखाने के लिए शेडिंग करना चाहो तो कर सकते हो बेटे, ठीक है। शेडिंग आप कर सकते हो, कलर का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इनको बना सकते हो बेटे। तो हमने अभी अभी आपको पढ़ाया सिंपल बार डायग्राम, नेक्स्ट आ रहा है मल्टीपल बार डायग्राम बेटे। वो सिंगल था, सिंगल सेट ऑफ डाटा को ले रहा था, ये मल्टीपल है तो ये मल्टीपल डाटा को उठाएगा। वहां आपने केवल बर्थ डेट देखी, यहाँ बर्थ डेट के साथ साथ डेथ डेट भी देखोगे बेटे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल बार डायग्राम ये आपका है। तो बार डायग्राम का सेकेंड टाइप आपके पास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम। देख लीजिए आप, मल्टीपल बार डायग्राम बेटे, तो मल्टीपल बार डायग्राम आपके सामने आ रहा है। देखिए पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ इसकी क्या होता है, ठीक है। तो वहां तो आपने सिंगल सेट ऑफ डाटा दिखाए थे, यहाँ मेनी डाटा, कई सारे डाटा को दिखाओगे। देखिए मल्टीपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच शोज टू और मोर सेट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। तो मल्टीपल डायग्राम में एक साथ एक बार में दो या दो से अधिक डाटा शो किए जाते हैं। तो मल्टीपल बार डायग्राम वो डायग्राम होते हैं, दीज आर दोज डायग्राम विच शोज टू और मोर, टू और मोर सेट ऑफ डाटास, टू और मोर सेट ऑफ डाटास एट साइमल्टेनियसली, ठीक है बेटे। तो साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा डाटा को जब हम दिखाते हैं तो उसे हम मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। सो मल्टीपल बार डायग्राम आर दो डायग्राम विच शोज टू और मोर सेट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली, ठीक है। जनरली दीज डायग्राम आर यूज टू मेक कंपैरिजन। तो ये डायग्राम बेटे किन्हीं दो चीजों के अंदर कंपैरिजन करने के लिए दिखाए जाते हैं, कंपैरिजन करने के लिए शो किए जाते हैं। तो जनरली दीज डायग्राम आर यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू सेट ऑफ सीरीज। तो दो सीरीज को कंपेयर करने में हम इनका यूज करते हैं, लाइक बर्थ डेट एंड डेथ डेट, ठीक है। सेपरेट बार आर ड्रॉन टू प्रेजेंट सेपरेट सेट ऑफ वैल्यू। तो अलग अलग वैल्यूज को शो करने के लिए सेपरेट बार बनाया जाता है मित्र, ठीक है। जनरली बार आर डिफरेंशिएटेड बाय कलर। और फिर हम बार को बेटे कलर के थ्रू अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। बर्थ डेट का अलग कलर अलग होगा और डेथ डेट का कलर अलग होगा, ताकि दोनों में डिफरेंशिएट किया जा सके कि भाई बर्थ डेट इतनी है, उसके अकॉर्डिंग डेथ डेट इतनी है बेटे, ठीक है। सेम कलर नहीं करेंगे अब हम, यहाँ पर अलग अलग करेंगे। बर्थ डेट का कलर अलग कर देंगे, डेथ डेट का कलर अलग कर देंगे बेटे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम हम यहाँ पर कहेंगे बेटे। देखिए पहले आ रही है एक टेबल, और फिर टेबल के बाद हम उसे डायग्राम वाइज शो करेंगे बेटे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ दिखाई दे, पूरा दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए टेबल बना रहा हूं बेटे, जिसमें बर्थ डेट और डेथ डेट दोनों गिवन होंगी, ठीक है। डेथ डेट और बर्थ डेट दोनों गिवन होगी। तो यहां में हमें दे रखा है ईयर, पहले हमें दे रखा है ईयर, और फिर ईयर के बाद हमें दे रखा होगा वो डेथ डेट एंड बर्थ डेट बेटे, ठीक है। तो देख लीजिए ईयर हमें गिवन है, उसके बाद बर्थ रेट आर, और फिर है डेथ रेट आर,
ठीक है बेटे, डायग्राम बना रहा हूँ। यर मुझे गिवन है 1931 टू 40, 1931 से 1940 बेटे, 1941 से 1950, 1951 से 1960, 1961 से 1970 बेटे, 1971 से 1980, 1981 से 1990 और 1991 से 2000, और फिर बेटे 2000 के बाद सीधा 2013-14 आपको दे दिया बेटे। ठीक है, तो काफी ज्यादा लंबे आपको डाटा गिवन है, तो काफी ज्यादा स्पेस मेरे को चाहिएगा इसे दिखाने के लिए बेटे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस स्पेस में मैं आपको ये दिखा सकूं। तो ये आपको ईयर दे दिए, इसके बाद बर्थ रेट देखिए, तो 1931-40 में बर्थ रेट थी बेटे 46 और डेथ रेट थी 36। चलो देखिए, डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इसके बाद बर्थ रेट थी 45, डेथ रेट थी आपकी 31, अगेन बढ़ेगी आपकी। ठीक है, बर्थ रेट थी 40, डेथ रेट थी 27, बर्थ रेट थी 42, डेथ रेट थी 23 बेटे, बर्थ रेट थी 41, डेथ रेट थी 19, बर्थ रेट थी 37, डेथ रेट थी 15, बर्थ रेट थी 32.5, ठीक है, डेथ रेट थी 11.5, बर्थ रेट थी 22.5 और फिर डेथ रेट हुई 7.3 बेटे। तो आपने देखा, ठीक है, ये जो डाटा आपकी गिवन है ये हाइपोथेटिकल फिगर है बेटे, एक्चुअल डाटा से इनका कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल अपनी स्टडी को शो करने के लिए हाइपोथेटिकल डाटा हमने लिए, अज्यूम किए इन डाटा को बेटे, रियल, ठीक है, रियल लाइफ से इन डाटा का कोई लेना देना नहीं है बेटे। ठीक है, तो ये रही आपकी ईयर और ये रही आपकी बर्थ डेट एंड दिस इज योर डेथ डेट बेटे। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक मल्टीपल बार डायग्राम बेटे। ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम बनाऊंगा जिसमें एक ही डायग्राम में मैं डेथ हेड और बर्थ हेड दोनों को शो करूंगा बेटे। सो आई नीड अ लॉट ऑफ स्पेस हियर। तो देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरे स्पेस में आपको ये स्टडी करके दिखा सकूं। ठीक है, यस, ओके। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, ये आपके लिए एक्स एक्सिस है बेटे, एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये हमारे वाई एक्सिस है बेटे। ठीक है, वाई एक्सिस है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैं दिखाऊंगा ईयर, ईयर में यहाँ पर दिखाऊंगा और यहाँ मैं बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट दोनों ही चीज दिखाने वाला हूँ बेटे मैं। ठीक है, मैक्सिमम कितना है, 46 है, तो 46 आपका मैक्सिमम है, तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ 5 का डिफरेंस लेके 50 तक चले जाना चाहिए। मैं 5 का डिफरेंस दे रहा हूँ बेटे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है, एंड 50 बेटे। थोड़ा सा ऊपर और ले जाता हूँ इसको मिटा के, एंड 50 देखिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 46 है तो मेरे को 46 से पार तो जाने पड़ेगा, इसलिए मैंने 50 तक ले दिया। एक्स एक्सिस में मैं दिखाऊंगा ईयर बेटे, तो पहला ईयर था आपका 1930 से 1940 तक बेटे। ठीक है, 1931 है एक्चुअली में ये, इसके बाद था 1941 से 50 बेटे, फिर था 1951 से 60, फिर था 1961 से 70, फिर था 1971 से 80, ठीक है, फिर था 81 से 1981 से 90, फिर था 1991 से 2000 और लास्ट में था बेटे 2013-14, सीधा हम 2013-14 पर चले गए, 2013 and 14। ठीक है, ये थे आपके डाटा। तो अब देखिए, एक ही ईयर में आपको, एक ही ईयर में आपको डेथ रेट एज वेल एज बर्थ रेट दोनों ही शो करनी है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के बार को, दोनों के कॉलम को आपको जॉइंट करके दिखाना है उस साल का। तो इस साल में जो बर्थ रेट और डेथ रेट होगी दोनों को मैं दिखाने जा रहा हूं बेटे। तो पहले मेरा है बर्थ रेट 46, तो ये लीजिए मैंने दिखा दिया आपको बर्थ रेट 46 बेटे, 46, और इसी साल में डेथ रेट रही है 36, यानी कि 35 से थोड़ा सा ऊपर, और इस डायग्राम को मैं ज्वाइंट करूंगा ताकि मैं कंपैरिजन दिखा सकूं। देखा, मैंने इस डायग्राम को एकदम ज्वाइंट करके दिखाया, तो मैं यहां पर लिखूंगा 46 और 36 बेटे। ठीक है, मैं अब इनकी शेडिंग अलग अलग करूंगा, मैं मान लीजिए इस 46 को अलग कलर दे रहा हूं, ठीक है, अलग कलर दे रहा हूं,
मैं इस वाला कलर दूंगा बेटे और उस 36 वाला कलर दूंगा ताकि मैं कंपैरिजन दिखा सकूं, ठीक है, ताकि मैं कंपैरिजन दिखा सकूं। बेटे देखिए इसको मैंने इस तरह से दिखाया है, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको दिखाया है। बर्थ डेट को मैं इस तरह से साइन में दिखा रहा हूँ, और फिर बर्थ, ठीक है, डेथ डेट को मान लीजिए मैं ऐसे बिंदी में दिखा रहा हूँ, केवल बिंदी में, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई ये जो बिंदियां हैं ये तो दिखा रही है डेथ डेट को, और ये जो मैंने पानी की तरह दिखाया है वो दिखा रही है आपकी बर्थ डेट को। यानी दोनों को आपको अलग अलग शेडिंग करनी है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको बर्थ डेट और डेथ डेट को, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए ऐसे आपको दिखाना है। तो 1931 का हो गया ओवर, आइए 1941, बर्थ डेट थी 45, तो 45 थी आपकी बर्थ डेट, बर्थ डेट थी आपकी 45 और डेथ रेट थी हमारी 31, 30 से थोड़ा सा ऊपर, लाइक डेथ। तो देख लीजिए 45 एंड 31, अगेन मुझे अलग से शेडिंग करनी है, वही मुझे दोनों को डिफरेंशिएट करना है, बर्थ रेट और डेथ रेट को बेटे, ठीक है। तो मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। आप अलग अलग कलर का यूज कर सकते हो, ऑरेंज कलर बर्थ रेट में डाल सकते हो, ठीक है, ग्रीन कलर डेथ रेट में डाल सकते हो, तो कैसे भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये मल्टीपल डायग्राम है, देखिए दोनों को हमने ज्वाइंट करके दिखाया, दीज आर मल्टीपल डायग्राम, ठीक है। इसको मैं ऐसे बिंदी वाइज दिखा दूंगा, केवल केवल बिंदियां मैं इसके अंदर भर दूंगा ताकि दोनों अलग हो जाए, डिफरेंशिएट आपका हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से 1951 में देखिए बर्थ डेट थी 40, डेथ डेट थी 27, तो ये रहा 40 आपका, तो ये रही आपकी 1951 में बर्थ डेट 40, 40 और डेथ डेट थी हमारी 27 बेटे, ठीक है, 27 यानी कि 25 से थोड़ा सा ऊपर, 27, 27। अगेन मेरे को इनको डिफरेंशिएट करना है तो मैं अलग अलग कर देता हूँ इनको, ठीक है, अलग अलग कर देता हूँ बेटे, इसको मैं बिंदी दिखा देता हूँ, इस तरह से मुझे दिखाने बेटे, ठीक है। तो आप समझ तो गए होंगे कि मेरे पास स्पेस की जगह कम है, तो इसलिए थोड़ा सा ये, ठीक है। आगे देखिए 1961 की हम बात करते हैं, 42 एंड 23, तो 42 है आपकी बर्थ डेट यानी 40 से थोड़ा सा ऊपर बेटे, 42, 40 से थोड़ा सा ऊपर 42, और डेथ डेट हमारी होगी 23 यानी कि 25 से नीचे 23, ठीक है। तो 42 एंड 23 अलग से फिर मेरे को शेडिंग करनी है कि मुझे डिफरेंशिएट करना है बर्थ डेट को डेथ डेट से, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको डिफरेंशिएट करना है, आपको स्केल से बेटे अच्छे से बनाना है, इन डायग्राम के बीच इक्वल डिस्टेंट रखना है, दूरी बेटे इक्वल होनी चाहिए इनके बीच, ठीक है, और इनकी विड्थ भी सेम रहनी चाहिए। आप स्केल के थ्रू बनाओगे तो आपका बन जाएगा। 1971 में आइए 41 एंड 19, तो 40 से थोड़ा सा ऊपर 41 यानी कि 42 से थोड़ा सा नीचे 41, ठीक है, हमारी बर्थ डेट और डेथ डेट थी हमारी 19, 19 यानी कि 20 से थोड़ा सा नीचे 19, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, डिफरेंशिएट भी आपको करना है अलग से, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ बिंदी आप बना सकते हैं, ठीक है, बिंदी, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना है बेटे। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आगे आ जाइए 1981, 37 एंड 15, तो 37 थी आपकी बर्थ डेट, 35 से थोड़ा ऊपर, ठीक है, 35 से थोड़ा ऊपर 37, 37 थी हमारी बर्थ डेट और 15 थी हमारी डेथ डेट, 15, 15 थी हमारी डेथ डेट। तो इसको अगेन हमें डिफरेंशिएट करना है, तो अलग अलग कलर से आप कर सकते हैं, यू कैन इजिली डू दैट विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आइए 1991 से 2000 बेटे, 32.5 और 11.5, 32.5 यानी 30 से ऊपर मैं ले देता हूँ, 32.5, 32.5 हमारी बर्थ रेट और 11.5 हमारी डेथ रेट, जो 10 से थोड़ा सा ऊपर मैं दिखाऊंगा, 11.5, ठीक है। अगेन इन्हें डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग दिखाना है बर्थ रेट और डेथ रेट को,
इनकी शेडिंग अलग अलग मैं कर देता हूँ बेटे, ठीक है। यहाँ बिंदी में दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाइए 2013-14 आखिरी, 22.5 थी आपकी बर्थडे, 20 से ऊपर 22.5, 22.5 थी हमारी बर्थ रेट और 7.3 थी हमारी डेथ रेट, 5 से थोड़ा ऊपर रहते हैं, तो इस तरह से 7.5। इन्हें डिफरेंशिएट आपको करना है अलग अलग, ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ बिंदी वाइज में दिखाऊंगा, ठीक है, बिंदी में। तो देखिए ये था आपका एक मैनिफोल्ड, ठीक है, मैनिफोल्ड मल्टीपल बार डायग्राम है। तो मल्टीपल बार डायग्राम में हम एक से डाटा, एक से ज्यादा डाटा शो करते हैं, वो एक से ज्यादा दो भी हो सकता है या वो एक से ज्यादा तीन चार पांच भी हो सकते हैं बेटे। तो यहाँ तो हमने दो ही लिए, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और आपने देखा मैंने बर्थ रेट और डेथ रेट को एक साथ दिखाया बेटे, ठीक है, ये हो गई आपकी बर्थ रेट, इसी के साथ ज्वाइंट करके मैंने दिखाया डेथ रेट 1931 के बेटे। जब मुझे 1941 की दिखानी थी तो बीच में मैंने दिया एक गैप, ठीक है, डिस्टेंस मैंने दिया बेटे, गैप मैंने दिया, और फिर नेक्स्ट करके डाटा दिखाया। उसके बाद जब मैं दिखाऊंगा तो अगेन मैं बीच में डिस्टेंस या गैप दूंगा और फिर मैं ये दिखाऊंगा बेटे। तो मल्टीपल बार डायग्राम ये होता है, ठीक है, जिसमें हम डाटा को साइमल्टेनियसली शो करते हैं, वो डाटा एक या एक से ज्यादा आपके हो सकते हैं बेटे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये शो करना है। नेक्स्ट आपका डायग्राम आने वाला है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, बट क्योंकि क्लास की टाइमिंग बेटे पूरी हो चुकी है तो ये हम कल से डिस्कस करेंगे, और मुझे आज आपको पीडीएफ भेजनी है चैप्टर नंबर 5 की बेटे, मुझे वैसे ध्यान है, ठीक है, अगले 1 घंटे में अगर आपके पास ना है पीडीएफ तो कोई भी एक बच्चा मुझे छोटा सा मैसेज कर देना, मुझे रिमाइंड करा देना बेटे कि सर चैप्टर 5 की पीडीएफ आपको भेजनी है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है बेटे, आज हमने आपको चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कराया है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम आपके अलग अलग होते हैं बेटे, ठीक है, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, तो इस पूरे चैप्टर में हमें डायग्राम ही पढ़ने, तो काफी लंबा लेसन ये बनने वाला है, बहुत सारे डायग्राम हम पढ़ेंगे। हमने बार डायग्राम कराया आपको, भाई बार डायग्राम हम किसके थ्रू शो करते हैं, रेक्टेंगल के थ्रू, बार के थ्रू या कॉलम के थ्रू हम शो करते हैं, और बार डायग्राम के दो टाइप आज हमने आपको कराए, मल्टीपल और सिंपल बेटे। कल हमें ये बार डायग्राम के सब डिवाइडेड और परसेंटेज करना है, और फिर उसके बाद हमें पाई चार्ट स्टार्ट करनी बेटे, ठीक है। तो कल हम पाई चार्ट तक पूरा कंप्लीट इसे फिनिश कर ही देंगे बेटे, ठीक है। टिल नाउ थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, डेली क्लास लीजिए बेटे, अब्सेंट ना रहिए, मैं कॉल करूंगा डेली। बोलो आशीष। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटे, मैंने खुद ही बोला ना कि मैं भेजूंगा, अभी डेफिनेटली मैं भेजूंगा, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। आप अपने दोस्तों से कहें भाई डेली क्लास ले बेटे, जो क्लास नहीं लेगा उसके घर पे फोन जाएगा मेरा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाइए, थैंक यू बेटे, यू कैन गो नाउ।